हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू के एकेडमी अकेडमी एम के शब एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो so, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो so, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेक्शन टू क्लॉज एच में डिफाइन कर रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट है उसको एनफोर्स करवाया जाता है लॉ के द्वारा तो वो कहलाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो एक कॉन्ट्रैक्ट कब फुलफिल होगा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा सबसे पहले जो भी पार्टीज़ है पार्टीज एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल रखेगी एक ऑफ़र देगी जब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हो जाएगा तो प्रॉमिस होने के बाद में जब दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होएगी कंसिड्रेशन आएगा तो कंसीड्रेशन आने के बाद में वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा और एग्रीमेंट के आने के बाद में जो भी सेक्शन टेन के अंदर कंडीशन दी गई है एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो अगर फुलफिल हो जाती है उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जैसे भी की कंडीशन ये है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी एंड लॉफुली ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो ये सब कंडीशन पूरी होने के बाद में वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और जैसे कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ द एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स जो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एग्रीमेंट है बट सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट कमर्शल एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट सोशल जो भी एग्रीमेंट होंगे वो हमारे एग्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे लेकिन जो भी कमर्शियल पर्पस के जो भी एग्रीमेंट होंगे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक एक जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जैसे डेली यूजेस में लाइक like, दो स्टूडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है किसी भी चीज़ को लेके तो उसके बाद में वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता लॉ के द्वारा लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी होता है लाइक like कोई बाइक की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट हुआ है या भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट हुआ है तो उसको एनफोर्स करवा सकते हैं लॉ के द्वारा तो वो हमारा क्या कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट अब हम पढ़ते हैं इसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो इसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है सबसे नंबर वन पॉइंट पे है देयर शुड बी टू और मोर पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर दो या दो से अधिक पार्टी होना जरूरी है देयर मस्ट बी अ ऑफर विच इज़ लॉफुली बाय वन पार्टी एंड द लॉफुली एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र बाय अदर पार्टी और पार्टीज इट मीनस जो दोनों की दोनों पार्टी है एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी जब उसको एक्सेप्ट कर लेगी ये सब लॉफुली के द्वारा तो वो हमारा सबसे ज़्यादा जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टीज का ऑफर करना दूसरी पार्टीज को और दूसरी पार्टी का उसके लिए एक्सेप्टेंस देना इसके बाद ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एंड थर्ड पॉइंट इज देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज वैन दे इंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट इट मीनस जब भी दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं एक एग्रीमेंट में इंटर होते हैं तो उनके दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है एंड फोर्थ एंड मस्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन इज़ द वेरी सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिड्रेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न वैन वन पार्टी समथिंग एंड द अदर पार्टी गेट समथिंग इन रिटर्न इट मीन्स कंसिडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा सबसे मेन बात है कंसिडरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट तो कंसिड्रेशन का मतलब क्या होता है कंसिड्रेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न इट मीनस जो वन पार्टी है किसी भी दूसरी पार्टीज को सर्विस प्रोवाइड करवाती है उसके बदले में वो उससे कुछ रिटर्न में लेती है रिटर्न में वो कुछ भी हो सकता है लाइक like प्रोमिस हो सकता है मनी हो सकता है कुछ भी तो उसे हम कंसिड्रेशन कहेंगे एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ द पार्टीज़ मस्ट हैव अ कॉम्पिटेंसी टू इंटर इंटू अ वैलिड कॉन्टैक्ट मतलब जो भी अब यहाँ पे पार्टीज़ के बारे में बताया गया है जो भी दोनों पार्टीज़ होएगी वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट होनी चाहिए सबसे पहले माइनर मतलब दोनों पार्टीज़ माइनर नहीं होनी चाहिए अगर दोनों पार्टीज माइनर है तो वो वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होगा वो वर्ड कॉन्टैक्ट हो जाएगा एंड सेकेंड इज़ अनसाउंड माइंड दोनों पार्टीज़ साउंड माइंड होनी चाहिए अगर दोनों पार्टीज अनसाउंड माइंड है तो वो भी वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होगा एंड दस इज़ डिसक्वालिफिकेशन बाय लॉ अगर किसी भी पार्टी को या भी जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है लॉ के द्वारा तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वो वॉइड हो जाएगा एंड इसके बाद है हमारा सिक्स पॉइंट फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट का मतलब है दोनों पार्टीज जब एक एग्रीमेंट करती है तो दोनों पार्टीज़ के बीच में एक फ्री कंसेंट होनी चाहिए मतलब किसी कोई किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए उसकी कंसेंट पे दोनों पार्टीज डिज़ायरेबल होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्वेश्चन कोशियन को सेक्शन फिफ्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है जिसका मतलब है अगर कोई भी पार्टीज है किसी भी पार्टीज की एक्सेप्टेंस या किसी भी पार्टी कोई ऑफर करती है थ्रेटफुल के द्वारा कोई भी थर्ड पार्टी या उसको थ्रेट करती है कि कांटेक्ट में इंटर करने के लिए या भी उसकी एक्सेप्टेंस के लिए जो पार्टी है उस दूसरी पार्टीज़ को थ्रेट करती है तो वो हमारा क्वेश्चन में आएगा फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टी गन पॉइंट पे दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस लेती है दूसरी पार्टी को कांटेक्ट के अंदर इंटर करती है तो हमारा वैलिड कांटेक्ट नहीं होगा एंड सेकेंड इज़ अंडियो इन्फ्लुएंस अंडियो इन्फ्लुएंस सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफ़ाइन है और इसका सबसे मेन पॉइंट है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होता है मतलब एक रिलेशनशिप होना सबसे मस्ट है अंडू इन्फ्लुएंस में और इसके अंदर जो एक पार्टी है दूसरी पार्टी को डोमिनेट करेगी एंड थर्ड इज़ फ्रॉड फ्रॉड सेक्शन सेवनटीन में डिफाइन है जिसमें बता रखा है जो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय फ्रॉड के द्वारा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड थर्ड फोर्थ इज मिस रिप्रजेंटेशन जो सेक्शन एटीन में डिफाइन है जिसका मतलब है अगर किसी भी दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके थिंग्स को लेके और उस जो दूसरी पार्टी है उस जो भी प्रोजेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कुछ और दिखाती है और कुछ और देती है तो वो हमारे मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पार्टी है दूसरी पार्टीज को आईफोन सेल करती है उसको आईफोन सेल दिखा के कहती है कि ये आईफोन की आईफोन के ऊपर कांटेक्ट करती है एंड वो उसको देती कौन सा है सैमसंग का मोबाइल तो ये हमारा किस में आएगा रिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ इज मिस्टेक मिस्टेक इज मीन्स जब पार्टीज को पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में कि जो वो भी ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पार्टी है जो पार्टी कॉन्टेक्ट कर रही है किसी प्रॉपर्टी को लेके लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है बट वो इंडिया से बाहर रहता है लेकिन उसको पता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है वो जो इंडिया में है उससे ले उसे लेकर वो कांटेक्ट करता है दूसरी पार्टीज़ के साथ में लेकिन उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ टाइम पहले आग लग चुकी होती है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है लेकिन ये उसके ऑनर को नहीं पता होता उसको ले वो दूसरी पार्टीज़ के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा वैलिड नहीं होगा एंड सेवेंथ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल इट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है और कंसिड्रेशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुली होना चाहिए कोई इन लीगल पर्पज का नहीं होना चाहिए जैसे इन लीगल ऑब्जेक्ट है गन्स हुए ड्रग्स हुए इन इनको लेकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा वो वैलिड नहीं होगा एंड एट्थ इज लीगल फॉर्मेलिटी लीगल फॉर्मेलिटी मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्टैचुरी प्रोविज़न आ जाता है जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म एंड कंडीशन कर दी तो वो एक रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए उसके अंदर पार्ट इस टाइम ड्यूटी लगी हुई होनी चाहिए जो भी विटनेसेस हैं वो होने चाहिए उनके साइन होने चाहिए जो भी पार्टीस है पार्टीज़ के साइन होने चाहिए जो भी ये लीगल फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करने के बाद में ही जो एक एग्रीमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे अगर ये लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं किया जा सकता नहीं किया जाता तो वह वेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एंड इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंस क्या क्या है तो सबसे पहला डिफरेंस है एग्रीमेंट के अंदर कहा गया है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एंड एग्रीमेंट जो भी एक एग्रीमेंट है एग्रीमेंट कब पूरा होगा जब एक पार्टी ऑफर करेगी एंड दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी उन दोनों को मिलाने के बाद में वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा वो एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उस एग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो जाएगा मतलब उसको एक लॉ के द्वारा एनफोर्स कर दिया जाएगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि मैंने पहले बताया था जो सारे के सारे एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो सारे के सारे वो एग्रीमेंट होते हैं एंड थर्ड पॉइंट इज़ मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन जो भी एग्रीमेंट है अगर वो ब्रीच होता है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसके अंदर एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है जिसको फुलफिल करना ही पड़ता है पार्टीज़ को अगर वो ब्रीच हो जाता है तो उसको उसके अंदर उसको कंपनसेशन पे करना पड़ता है वो एक लीगली बाउंड हो जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लेकिन अग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उसको पूरा करने के लिए एग्रीमेंट में अगर वो सिर्फ एग्रीमेंट है एवरी प्रोमिसज एंड सेट ऑफ प्रोमिस फ्रॉम फॉर्मिंग कंसिड्रेशन फॉर ईच अदर जो भी एग्रीमेंट है एग्रीमेंट के अंदर एक कंसीड्रेशन होना चाहिए मतलब जब दोनों पार्टीज़ के बीच में कंसीड्रेशन होएगी उसके बाद ये वो एक एग्रीमेंट की फॉर्म में आएगा लेकिन जब एग्रीमेंट एनफोर्स किया दिया जाएगा लॉ के द्वारा जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एंड फिफ्थ इज़ नॉट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाइंड नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कंक्लूडिंग एंड बाइंडिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पार्टीज के ऊपर बाइंड होता है कॉन्क्लूड होता है इट मीन जो भी कॉन्टैक्ट हुआ है दोनों पार्टीज़ के अंदर वो दोनों पार्टीज़ जो भी उसकी ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करने के लिए बाउंड होती है आई होप यू लाइक माय लेक्चर थैंक यू थैंक यू सो मच बाय बाय लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच